तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से सही कौन सा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो क्या स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिपेंड करेगी क्या? बिल्कुल गलत। अरे भाई, ये वैक्यूम है, ये रूम है, और अगर लाइट की जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती है ना एक मीडियम में। तो अगर ये चैम्बर है, वैक्यूम है, और इसमें अगर मैं लाइट इधर जा रही थी वैक्यूम में कुछ स्पीड से, सी से आगे इधर जाने लगी, तो क्या उसकी स्पीड सी बदल जाएगी क्या? कभी नहीं बदलेगी यार। दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इनडिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो उस मीडियम की लैम्डा पर डिपेंड करती है। जैसे ही लैम्डा चेंज होगा वैसे ही स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है? जैसे एयर में स्पीड अलग है और वाटर में लाइट की स्पीड अलग है, क्योंकि लैम्डा अलग है, लाइट की वेवलेंथ अलग है, ठीक है? तो ये भी अपना दो गलत हो गए। तो सही कौन सा है? तो अगर मैं सही बात करूँ, स्पीड ऑफ लाइट इज इनडिपेंडेंट अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स। अब देखो, ये एक गहरी और अच्छी बात पूछ दी है कि अगर यहाँ से तुम देखोगे इनडिपेंडेंट लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट का सोर्स है और ये लाइट का सोर्स है। अब अगर ये लाइट इससे निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है, तो लाइट की स्पीड कितनी है भाई? तो लाइट की स्पीड सी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से लाइट की स्पीड इतनी है। बात आ गई समझ में? क्या ये जो सोर्स है अगर कुछ भी वेलोसिटी से मूव करने लगे, या यहाँ पर ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी आँख में जो लाइट दे जा रही है ऑब्जर्वर, वो भी कुछ भी वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो क्या ऑब्जर्वर और सोर्स के मोशन पे ये जो लाइट की स्पीड है सी, वो क्या चेंज हो जाएगी क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होती है, इंडिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इट इज़ द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का अजम्पशन है। पहला जो पॉइंट है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स या ऑब्जर्वर, ठीक है? तो ये आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अजम्पशन है, दो पॉइंट है। तीसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इनडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। मतलब उस मीडियम, अगर मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब की अगर मैं इंटेंसिटी मतलब होता नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर चेंज करता हूँ, तो क्या इसमें फोटॉन की स्पीड बदल जाएगी क्या उसी मीडियम में? बिल्कुल नहीं बदलेगी यार। तो इंटेंसिटी पे थोड़ी स्पीड डिपेंड करेगा। मतलब सी और डी सही है, सी एंड डी आर करेक्ट। मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।